To you by spirit तो वही है जो मैदान में उतरे Technosport. स्पोर्ट your spirit. स्पिरिट पैरिस ओलंपिक्स 2024 8 अगस्त को रेसलिंग से आखिरकार एक अच्छी खबर आई अमन सहरावत जो कि एक इंडियन मेल रेसलर थे उन्होंने सेमीफाइनल के लिए कर लिया है इससे पहले राउंड ऑफ सिक्स खेला सूरज और क्वार्टर फाइनल दोनों जीते दोनों मैचेस के बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए हाँ देखिए राउंड ऑफ सिक्स का जो मैच था वो बड़ा मजेदार हुआ क्योंकि मैसेडोनिया का जो रेसलर था वो शुरू में थोड़ा सा हल्का फुल्का लगता है जब रेसलिंग का मैच शुरू होता है तो कई बार आप कोशिश करते हो कि पहले देखा जाए सामने वाले रेसलर क्या करने की कोशिश कर रहा है फिर उस हिसाब से मैं एग्जीक्यूट करूँ चीजें लेकिन अमन इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने ज्यादा लोड नहीं लिया आराम से शुरू किया गेम दो पॉइंट कमाए और फिर आप जिस तरीके से पकड़ा मैट पे पटका जो कि तमाम तरीके जो पॉइंट बनाने के तरीके हैं ऑलमोस्ट हर तरीके से पॉइंट्स बनाते गए और लगातार टेन नील एट नील था तो उसके बाद से लग रहा था कि हो सकता है कि थोड़ा सा अब चैलेंज मिलेगा अब मिलेगा लेकिन नहीं एट नील को धीरे से हाँ। किया टेन नील और टेन नील होते ही आप जानते हैं टेक्निकल सुपेरियरिटी लग जाती है और फिर आप

के रेसलर के साथ चलने लगा था कि सेकंड से उल्टी गिनती हो गई थी कि भैया तो पॉइंट कमाना पड़ेगा हाँ कमाना पड़ेगा फिर लेकिन आप कमा तो नहीं पूरी बाउट बीत गई एक भी पॉइंट नहीं मिला और आसान जीत के साथ दूसरा जो मैच हुआ था वो मुझे लगता है 2022 वर्ल्ड चैम्पियनशिप के मेडलिस्ट के साथ था वो कमाल का मैच था क्योंकि वो मैच जब आप इतने यंग होते हैं और पहला ओलंपिक्स खेल रहे होते हैं और आप अपने गुरु को हरा के वहाँ तक पहुँचे होते हैं जो पिछले ओलंपिक्स का मेडलिस्ट रहा है तो काफी सारी उम्मीदें आपसे होती हैं भले जनता जो चार साल में एक बार फॉलो करती है उसको नहीं पता लेकिन जो फेडरेशन के अंदर के लोग हैं जो कुश्ती पर नजर रखते हैं थोड़ी बहुत ही उनको पता था कि आपके अंदर दम है तो ये प्रेशर के साथ जब आप वर्ल्ड चैंपियनशिप मिडिलिस्ट के सामने उतरते हैं पिछला मैच इतनी आसानी जीता तो आपको लगता है अब चुनौती मिलेगी अब थोड़ा सा मतलब होता है चालीस पैतालीस मिनट ही मिलते ज्यादा मिनट मिलते नहीं है दो मैचेस के बीच में लेकिन ये मैच तो भाई साहब ये तो और कमाल गया यहाँ तो भाई ने बारह पॉइंट कमा लिया सामने वाले को एक पॉइंट नहीं दिया तो दो मैच दोनों टेक्निकल सुपीरियरिटी से जीत कर अमन सहरावत पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में एक और जीत मेडल पक्का एक और जीत मेडल पक्का फाइनल में पहुंच जाएंगे अब फिर गोल्ड और सिल्वर आएगा क्योंकि गोल्ड अभी तक नहीं आया है। मैं नहीं में नहीं आया मैं नहीं नहीं रेसलिंग में बोलूंगा गोल्ड की कोई बात नहीं करूंगा मैं दो दिन से गोल्ड गोल्ड कर रहा था और अंत में कोई मेडल नहीं मिला विनेश को तो मैं गोल्ड की बात नहीं करूंगा बस मैं ये उम्मीद करूंगा कि अब कोई गड़बड़ ना हो और ये मेडल लेकर आए मेडल किसी भी कलर का हो मेडल होता है और मेडल भाई ठीक है गुरुजी वाला अगर सिल्वर ही आ गया तो भी ठीक है हमको कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अभी तक क्या हुआ कि रेसलिंग में हमारा बड़ा सा ड्रॉबैक चल रहा है इस ओलंपिक्स में स्पेशली हम बहुत निराश हुए हैं रेसलिंग से रेसलर्स ने हमारे विनेश ने कितना अच्छा किया भाग्य का साथ नहीं मिला बाकी जो रेसलर्स थे उनसे कोई थका था किसी का दिन अच्छा नहीं गया अंतिम बंगाल के साथ कल देखिए क्या हुआ पहले राउंड में एग्जिट कर गई कितनी उम्मीदें थी फिफ्टी थ्री में आई थी वो खुद कोटा जीता क्वालिफाई किया खेलने लेकिन पहले राउंड में बाहर हो गई अंशु मलिक को आप देख लिया अंशु मलिक पहले राउंड में बाहर हो गई तो ठीक है अंशु मलिक से भी बहुत एक्सपेक्ट किया गया था इवन निशा निशाद्या जिस तरीके से उनके हाथ में चोट लग गई वो तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि जो उनका एकदम शोल्डर आ, एल्बो डिसलोकेट हो गई थी आ, बहुत शानदार नजर आ रही थी निशा दो हाँ। मैचेस लगातार जीते थे और वो तीसरा भी दो दो चार पॉइंट्स पीछे थी निशा कि ये दो चार पॉइंट्स और बने मेरे नाम है, मैं पहुंच रही हूं। आठ, आठ दो था स्कोर और कुछ भाग जो रेसलर्स है वो भाग्य का साथ नहीं मिला उनको कुछ रेसलर्स ऐसे रहे जिनका दिन अच्छा नहीं गया तो कुल मिला जुला के निराशाजनक रहा है तो अब अमन शहरावत का जो भी मेडल आता है वो बड़ी अच्छी बात होगी और अगला स्टेप होगा बजरंग पुनिया बजरंग पुनिया के बाद रवि उनसे पहले योगेश्वर थे सुशील हाँ। थे अब इस लिस्ट में जुड़ जाएगा अमन, अमन का नाम और अमन का फ्यूचर बड़ा ब्राइट सा, 20 -20 साल है इनकी, हाँ। तो अभी इनकी तो आने वाले कई कई ओलंपिक्स में, में मेडल दिला सकते हैं हाँ, बिल्कुल कई मेडल दिला सकते सकते हैं हैं हमको बिल्कुल मेडल्स और एक एक चीज और एड ऑन कर दे कि अमन के साथ अभी भी रेसलिंग में इंडिया की तरफ से रितिका भी है जो कि एक्शन में नजर आएंगी आज उनका मैच नहीं है लेकिन आगे आने वाले टाइम पे क्योंकि दो दिन ही बचे हैं तो उनका भी मुकाबला होगा अमन सहरावत से जुड़ी बाकी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी अभी उनका सेमीफाइनल मुकाबला होगा क्या होगा उस मैच में ये सब आपको ललन टॉप पे मिलता रहेगा देखते रहिए शुक्रिया